इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस कैसे शुरू करें? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण और इनकी कमी के कारण पूरी दुनिया भर में अब कई देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में अभी शुरुआत ही हो रही है। ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस चालू करते हैं तो आपको आने वाले समय में काफी फायदा होगा। अगर आप इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चार्जिंग स्टेशन के लिए लोकेशन का चुनाव। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आप किसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल या फिर पेट्रोल पंप के पास शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अब हाईवे के साइड भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं। बता दें कि टोटल 3 तरह के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ओपन किए जाएंगे, जिसके अंदर कमर्शियल टाइप में मॉल, पेट्रोल पंप और रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। दूसरे टाइप में गवर्नमेंट के सभी ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तीसरे टाइप में हाईवे और व्यस्त रोड पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। कैसे शुरू करें ये बिजनेस? खुद का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए आप डायरेक्ट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिपार्टमेंट के पास अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी फेमस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां इसकी फ्रेंचाइजी दे रही हैं। कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं। किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने पर आपको लगभग 5 से 9 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और अगर आप खुद का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करीबन 30 से 35 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। कैसे करें अप्लाई? इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके वहां से एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल कर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को कैसे शुरू करें और कैसे कमाएं अच्छा मुनाफा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।